बन जाएगा ऐसा, कम से कम 2,000-2,500 रुपए का मशीन डालनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा आएगा जैसा मैंने बना दिया फ्री में। ये अंदर नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। जैसा खेच दो ना बस इतना, ये देखो भाई इतना रह गया। अब ये जो सीट बेल्ट है ये अंदर नहीं जा रहा है, और इसको अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस इधर का भी नहीं जा रहा, उधर का भी, दोनों तरफ का नहीं जा रहा, तो हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम, मैं मुकेश चंद्र को नोएडा भारत, और जीरो बाइलेंस में कैसे इसे ठीक करें फ्री में, एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के, और जीरो बाइलेंस वाला भी हाल ये जानेंगे। पूरी बखेरते पहले पैनल को निकालते हैं, अंदर जाता नहीं है, फिर बंद करते हैं ऐसे, तो ये लोक को परेशानी करती है, लोक को परेशान करने का। देखो धीरे धीरे स्लोली जा रहा है, अब इसको ठोकेंगे, देखो धीरे धीरे मतलब बहुत स्लोली जा रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। ये निकाल दी है, अब ये पैनल निकाल देता हूँ मैं। ये मशीन है पूरी, एक 10 नंबर का ये बोल्ट है और एक 14 नंबर का वो है। तो ये है भाई पूरी मशीन। ये तो बहुत लेट लेट के करना पड़ रहा है, सीट में अलग ही इसमें है इस मशीन का यार, इसकी देख रहे ना, ये ना जा रहा है ना, ये देखो सारा बेल्ट निकला पड़ा है ना, ये कहानी है। तो मैं खराब, पहले इस छर्रे को सेट करना पड़ेगा, दिखाओ ये जो छर्रा है ना, ये गोली, तो तब ये बाहर आएगा। ये देखो कितना बुरा फंस रहा है यहाँ, देख रहे हो ना ये, तो मैं बताऊंगा कि जिंदगी में कभी ये फंसे ना। क्लियर दिख रहा है ना? दिख रहा है जी। एक राउंड और घूमेगा जरा सा, बस ये दिखाओ, ये प्लास्टिक अंदर से टूट जाती है, बस देख रहे हो नी, क्लियर दिख रहा है। फ्लैश जला लो, चाहे फ्लैश जलाओ, पहले रिकॉर्ड हुआ ना थोड़ा पूरा, ठीक है। ये देखो ये पत्ती टूट जाती है, बस ये प्लास्टिक की जो है ना ये टूटती है, इसको निकालो पहले तोड़ के, देख रहे हो ना, ये फंसाती है सारी बेल्ट को, ये जाम करती है, ये पीछे नहीं जाने देती है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली ये तो टूट गई है, ये देखो, तो इसको हम तोड़ के निकाल देंगे। अब भाई इतना भाई यही पत्ती नाश करती है पूरा सीट बेल्ट का, सीट बेल्ट का कुछ नहीं होता, इसको निकाल दो बस, ये सिर्फ कवर है। अब क्या होगा कि अब लपेटा, ये देखो ये किनारी फंस रही है अभी, ये चीजें फंस जाती है, अब कोई भी कुछ नहीं फंसेगा इसमें। अब ऐसा नहीं है कि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत मायने रखता है, ये कुछ भी नहीं है, ये कवर ही तो है, हल्का सा सेफ वो उसके लिए, ताकि थोड़ा सा फ्रेश रहे बस, ये किसी काम का नहीं है। यही प्लास्टिक टूट जाता है बार बार घिस घिस के निकालने से, तो इसको हम फेंक देंगे प्लास्टिक को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या बेल्ट देखो, अब ये जो साइड है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब छोड़ दिया ना गलती से, तो बेल्ट मारेगा फर्रा, लो देख लो, पूरा फुल टाइट कर दी, ये कहानी है सिर्फ खाली, ये प्लास्टिक फंस जाती है बस, और कुछ नहीं है। मैंने चीज देखी फ्री में, इसको निकाल दो बस, बात खत्म। देखो ऐसा नहीं है कि लोक नहीं होगा, ये देखो लोक हो गया, देख रहे हो ना, अब ये छर्रा बराबर में आएगा तभी लोक खुलेगा, ये देखो थोड़ा हिलेगा तो लोक हो जाएगा, यानी गाड़ी अभी देखो खींच रहा हूँ, हिला लोक हो गया, ये देखो खींच रहा है ना पूरा, कितना बढ़िया, लेकिन लोक हो गया। ये छर्रे का सारा कमाल है यहाँ, इसका सेंटर आउट हुआ, गाड़ी पलटी, इधर उधर पलटा, ब्रेक लगा तेज, छर्रा इधर से उधर गया, तुरंत लोक कर देगा, ये देखो अब इसको इस कंडीशन में लगा हुआ है, देख रहे हो ना, पूरा प्रॉपर काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये उस कवर को निकालने से कुछ दिक्कत है, आय है है, कितना बढ़िया काम कर, ये देखो देख रहे हो ना, इतना ऊपर, अभी सोचो नीचे लगेगा, अभी अभी नीचे जाएगा यहाँ, फिर ऊपर इतना खींच रहा है कि फूल हो गया मामला, देख रहे हो ना, सोचो ये है फ्री में निकलवाऊं, इतना बढ़िया स्मूथ होगा, पकड़ के ना देख रहा ना, पूरा मामला कितना केड़ा कर दे रहा है। हाँ फिर तो भाई गाड़ी के अंदर लगा दिया ना, तो मजा काट देगा ये इससे ज्यादा। हाँ हाँ अरे रे रे अरे है, ये नीचे का दिख रहा है पूरा, और क्या चाहिए बताओ यार।
अब ये हो गया हमारी तरफ से डन का एक नंबर का, पर ये प्लास्टिक निकालना, उधर का भी खोलता हूँ अभी, उधर का भी कहानी दिखाता हूँ मैं आपको। बस अरे कुछ गिरा, अभी कुछ गिरा, एक काला काला सा, ये क्या है? इसी का है, इसी का टूटा हुआ पार्ट है, यहाँ पे इसी का टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसी का टूटा है, कुछ ना कुछ तो टूटा है, ये भी मैं फेंकता हूँ, क्लियर हो गया था? हाँ, यहाँ आप उठाए हैं तो वो हाथ में नहीं दिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो यार हम तो सही है ना। हाँ, है कि नहीं है? ये तो डन है। हाँ, दिखे चाहे नहीं दिखे हम तो सही है ना भाई। वो एक वीडियो में नहीं दिखेगी बार बार तो नहीं। जा रहा, वो 200 रुपए खुले दे देना। ओ भाई मेरे से खुले क्यों मांग रहे हो इतना, पास में करो। ये देखो ये कहानी हुई है खराब, ये इधर का लग रहा है कि ये टूट गया है। ये देखो पत्ती इधर का है, ये राइट का है, ये तो ये पत्ती नुकसान करती है बस। ये देखो ये कवर इसमें भी टूटा ही निकला, ये खाली भाई ये वाला हिस्सा टूटा है बस। ओ एक और पत्ती रह गई, हाँ टूटी हुई निकल जा, ये की है पत्ती, ठीक है। और तो ना, अरे फिर यार, अरे बड़ी तेजी से यार, ये देखो अटक गया। इधर दिखाओ, खाली इसकी वजह से, ढकना की वजह से ये साला ढकना खराब हो गया ये है। इसी में बेल्ट जो है ना, इसी में लपेट आता है बेल्ट, हमने इसको निकाल दिया है तो देखो पूरा फूल देखो ऊपर तक भी आ गया है। ये देखो ऊपर तक कसा जाएगा नीचे, ये बस ये देखो भाई पूरा निकाल दी, खाली वो साइड के कवर निकाल दी। ऐसा नहीं है कि ये खराब होगा, ये देखो देख रहे हो ना पूरा प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन निकालने से पत्ती हट गई, पत्ती फंस रही है बॉडी में, फंसती थी पत्ती, कहाँ फेंका मैंने ये जो है ना बॉडी में, इसमें अड़ती थी, ये देखो देख रहे हो ना, ये लोको में अड़ती थी, ये फंसा देती थी बेल्ट को। अब इसको निकाल दिया मैं, ये स्मूथनेस घूम रही है अब, और ये छोड़ दिया मैंने, ओए हाय हाय घिर कर रही है। अब मैं इसको लगाता हूँ पहले पूरा, और खेचन दो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बन जाएगा ऐसा। कम से कम 2,000-2,500 रुपए का मशीन डालनी पड़ेगी तब जाके ऐसा आएगा जैसा मैंने बना दिया फ्री में है। खाली मेहनत ही तो लगी, अब कस्टमर देखो रे बिल्कुल भी जब जर्क नहीं मार रहा यहाँ। अरे रे 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 रे, तो भाई ये हो गई बिल्कुल डन, अब ये चलेगी कई साल तक। पहले तो थोड़ा पास में ज्यादा दूर हो जाए। अच्छा, I-10 पूरा आ जाए ना। पहले क्या था कि पहले भाई थोड़ा लॉन्ग समय के लिए चला, 4-5 साल के लिए, अब चलेगा लाइफ टाइम, यानी जब तक गाड़ी रहेगी, गाड़ी कबाड़े में कट जाएगी तब तक ये काम करेगा, ये फेल नहीं होगा, ऐसा बनाया मैंने। खाली ये क्या है, ये निकाल के चक्री निकाल के बस इतने की वजह से खराब हो रही थी कहानी। तो भाई फिट कर दो। ओके थैंक यू यार, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपको देना था, अच्छा लगे तो शेयर मार देना, बस इतना कहूँगा। चैनल को भी फॉलो कर लीजिए यार, आपका अपना ही चैनल है। ओके थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सावधान रहिए।